हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवली और मेरे खिचड़ी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाली हूं, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक। देखिए, आजकल सोशल मीडिया में इतनी ज्ञान मिलती है कि किसी लड़की को शादी करके ससुराल जाने से पहले किसी से कुछ सुनने की, किसी से कुछ बातें करने की, किसी से कुछ ज्ञान लेने की, कोई एक्सपीरियंस्ड जो है जिनकी शादी हो चुकी है उनसे कुछ सोचने की समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस सोशल मीडिया में आप रील देखते रहो, ठीक है, रील देखो सास को कैसे मनाना है, सास के साथ कैसे चलना है, पति के साथ कैसे अच्छा व्यवहार करना है, पति कैसा होना चाहिए, अच्छी बीवी कैसी होती है, अच्छा पति कैसा होता है, अच्छी सास कैसी होती है। मतलब भर भर के दिमाग खा गए भाई ये लोग, दिमाग मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया। अब देखिए बात कहाँ पर आती है, ये देखिए एक रील मैंने देखा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, एक महिला बोल रही है कि पति को कभी ताने नहीं देने चाहिए। किस बात पर? कभी उसको ये नहीं करना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल मैटर पर कभी ताने नहीं देने चाहिए। जैसे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सब, ठीक है, ऐसा पति को कभी नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए, ऐसा पति जिसने साल भर में कभी पत्नी को एक प्लेट पानी पूरी नहीं खिलाई, वो भी ये रील देखकर बीवी को कोस रहा है कि तुम मुझे ताने देती हो। एक रील उसने ये देख लिया कि पति को कभी बोलना नहीं चाहिए कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब जो पति शादी करके 5 साल में बीवी को एक नया कपड़ा नहीं दिलाया, वो सिर्फ मायके से लाए हुए कपड़े पहनकर आ रही है, वो पति भी पत्नी को कोस रहा है कि तुम मुझे ताने देती हो। किसी पत्नी ने रील देख लिया कि अच्छा पति ऐसा होना चाहिए, मतलब अच्छा पति कभी बीवी को कोसता नहीं, बीवी जो भी खाना बनाती है वो खुश मुंह होकर खा लेता है, ऐसा होना चाहिए। तो जो बीवी मतलब घर में कभी काम ही नहीं करती, कभी अच्छा खाना बनाकर पति को कभी खिलाया नहीं, वो पत्नी भी पति को कोस रही है कि तुम मुझे ताने देते हो। बताओ, उसने कभी पति को अच्छा खाना खिलाया ही नहीं, फिर भी उसको लगता है कि उसका पति उसके लिए गलत है। और तो और, आजकल ना सासे भी रील्स देखने लगे, आपको पता नहीं है सासे बहुत सारे भर भर के रील्स देखती है। और अच्छी बहू कैसी होती है, अच्छी बहू कैसे सास ससुर की सेवा करते हैं, और मतलब घर के वगैरह वगैरह सारा काम कैसे संभालती है, ये सब रील सास ने देख लिया। अब जिस सास ने कभी भी बहू को अपने घर की मेंबर ही नहीं समझी, वो भी बहू को ताना देती है क्या कि तुम मेरी सेवा नहीं करती, तुम घर को नहीं संभालती, तुम सुबह 6 बजे उठती नहीं, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई, एक जन के बारे में जब आप रील बनाओ या कोई वीडियो बनाओ तो दूसरा भी थोड़ा सा पक्ष ले लो। देखो, अच्छी पत्नी ऐसी होनी चाहिए ज़रूर बताओ, लेकिन अच्छी पत्नी किसकी होती है? अच्छे पति की अच्छी पत्नी होती है। मतलब तुम्हें अगर अच्छी पत्नी चाहिए तो खुद अच्छा बनना है, नहीं तो अच्छी पत्नी मिलकर भी वो बाद में बुरी बन जाती है। सच है कि नहीं? अब आप लोग क्या कहेंगे कि हर कोई अच्छा नहीं होता, हर कोई बुरा नहीं होता। हाँ, सही है, लेकिन जो अच्छा है पहले से अच्छा है। सोचिए, जो पति अच्छा है, मतलब आदमी अच्छा था, फिर पत्नी उसको गलत मिल गई, तो वो बंदा कब तक अच्छा रहेगा, कब तक अच्छा रहेगा? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। जो पत्नी अच्छी है, शादी से पहले वो लड़की बहुत ही अच्छी थी और उसको पति सास ससुराल गलत मिल गया, तो फिर वो बंदी कब तक अच्छी रहेगी, कब तक झेलती रहेगी? एक दिन ना एक दिन वो ऐसा करेगी ना करेगी, ये होता है। आप अच्छे तब तक बने रह सकते हो जब तक कि आपका सामने वाला बंदा अच्छा हो। मतलब कि आप किसी के लिए 10 बार सोचो तो वो कम से कम 2 बार तो सोचे, ये भी अगर ना हो तो आप उसके लिए कितना सोचोगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी तरह से भाई, सोशल मीडिया के ज्ञानियों, तुम लोग ज्ञान ज़रा कम बांटा करो। हर किसी का सिचुएशन ना अलग अलग है। तुम जैसे बोल रहे हो वैसे सब लोग नहीं है, सबके घर में वैसा नहीं चलता है। और तुम्हारे ये सब देख देख कर ना, जिनके घर अच्छा खासा चल रहे थे उनका घर भी बिगड़ जाता है। सच कह रही हूँ, घर बिगड़ने की नौबत आ जाती है।
ये सिर्फ तुम्हारे रील और तुम्हारे वीडियो देखकर ये लोग अपने अपने साथ ना कंपेयर करने लगते हैं कि वो खुद कैसा है, ये तो उसको कोई समझा नहीं सकता, और खुद कैसा है, खुद बुरा है, ये कभी वो समझ भी नहीं सकता। इसीलिए सामने वाली पार्टी सोचिए कि पति देख रहा है रील तो पत्नी बुरी है, पत्नी देख रही है रील तो पति बुरा है, ऐसा ही होता है। और ऐसा करके ना अपने मन में एक नेगेटिविटी पैदा कर लेता है कि मेरी पत्नी बुरी है, मेरी सास बुरी है, मेरा पति बुरा है, मेरा ससुराल बुरा है, मतलब ऐसा करके उसके दिमाग में एक तनाव आता है, और ऊपर से उसके जीने की जो सुख चैन सब उड़ जाते, ठीक है। इसलिए भाई तुम लोग ज्ञान बांटा कम करो, अपने अपने घरों में जैसा है वैसा रहने दो, इतना ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई बहुत ही ज्ञान की बातें कर ली, तो दोस्तों आपके साथ भी अगर कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका पार्टनर, आपके घर वालों में से कोई रील देखकर, वीडियो देखकर कोई आपके ऊपर कोई ब्लेम किया होगा, ऐसा अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा खिचड़ी चैनल है, इसमें आपको सारे तरह के वीडियोस मिलेंगे, मतलब कुकिंग के अलावा सारे तरह के वीडियोस मिलेंगे, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट्स में देने की कोशिश करती हूँ हमेशा, और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि मेरा हौसला और बढ़ जाए। तो वीडियो इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।